हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हर्षी। आज मैं आपको अपने किचन से एक नई रेसिपी दूंगी, वो भी तंदूरी रोटी। आप घर पे कैसे बनाएं, जब भी कोई फेस्टिवल होता है या कभी गेस्ट ज़्यादा आ जाते हैं, हमारा मन नहीं चाहता है रोटी बनाने का, तो हम सोचते हैं कि बाहर से रेडीमेड रोटी मंगाने। लखनऊ में तो खमीरी रोटी कहते हैं, आप उसको खमीरी रोटी भी कह सकते हैं, आप उसे तंदूरी रोटी भी कह सकते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे तंदूरी रोटी घर पे कैसे बिना तंदूर के बनेगी, तो जी हाँ, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, तंदूरी रोटी घर पे बिना तंदूर के बनेगी। तो चलिए आज हम वही बनाएंगे, तंदूरी रोटी, वो भी बिना तंदूर के। तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए हमें चीज़ें क्या चाहिए होंगी। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा ले लिया है, पिसी हुई चीनी चाहिए होगी, सादा नमक, खाने वाला सोडा और दही, और इसका टो बनाने के लिए हमें थोड़ा सा गुनगुना पानी चाहिए। ज़्यादा हार्ड नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही बस गर्म होना चाहिए। तो हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा नमक डालेंगे, फिर हम डालेंगे चीनी, चीनी पिसी हुई डालनी है आपको, थोड़ी सी डालनी है, सोडा थोड़ा सा, और 2 टेबल स्पून हमें चाहिए होंगे दही। दही से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा, इसलिए मैं दही डाली हूँ। दही डालने के बाद अब मैं इनको, इन सबको अच्छे से हाथ से मिला लेंगे। तो ये देखिए, मिलाने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको, इसका टो बनाना है, ना ज़्यादा हार्ड बनाना हो ना ज़्यादा गीला बनाना है। तो चलिए बनाते हैं इसका टो। आप एकदम से पानी मत डालिएगा, नहीं तो ये जो है गीला भी हो सकता है। बस आपको इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसे इसको गूंदना है। तो चलिए गूंदते हैं। तो देखिए, ये मेरा ये टो बन के हो गया तैयार। इस तरह से आपको इसको बना लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको एक प्लास्टिक का डिब्बा लेना है, उसमें इसको जो है बंद करके रख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे ही एक प्लेट से कवर करके रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। तो चलिए इसको रख देते हैं। तो मेरे टो को रखे हुए 4 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसको खोल के देखती हूँ ये कैसा है। तो ये देखिए, खूब अच्छा हो गया, जिस तरह से हमें चाहिए था ये बिल्कुल वैसे ही हो गया। अब हम इसको एक बार और ऐसे चला लेंगे, उसके बाद इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। आपको जितनी बड़ी रोटी बनानी है आप उस हिसाब से इसको लोई में काट लेंगे। तो हम लोई बना लेंगे, और उसके बाद हमें सूखा हुआ भी थोड़ा सा मैदा चाहिए होगा खुश्की के लिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा चाहिए होगा। तो मैंने इस तरह से इस लोइयाँ बना लिए, अब इसे हम बेल लेंगे। तब तक हम उधर अपना तवा जो है गैस पर रख देते हैं, और हमें खमीरी रोटी बनाने के लिए जो है लोहे के तवे का इस्तेमाल करना होगा, या तो अल्मीनियम का। नॉन स्टिक में तवे में बिल्कुल भी नहीं बनेगी ये। आपको जितनी बड़ी बेलनी हो उतनी बड़ी आप रोटी लीजिए, लोई बनाइए, सॉरी, जितनी बड़ी आपको बनानी है। तो मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनाऊंगी, मीडियम साइज़ की बनाऊंगी। तो इसलिए मैं बेलूंगी। देखिए, अब ये बेल गई है। अब हम क्या करेंगे, एक कटोरे में पानी लेंगे और इस पर पानी लगा देंगे अच्छे से। और जैसे कि आपको पता ही, हमने गैस पर तवा रख चुकी हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो मैंने सोचा नहीं करी, क्योंकि वैसे भी कुकिंग का ज़्यादा लंबा वीडियो कोई नहीं देखना पसंद करता है, इसीलिए। तो हम इसको अच्छे से कर देंगे और हाथ पे ले लेंगे, और अब मैं इसको जिस साइड से गीला है उस साइड से तवे पे डालूँगी। तो तवा मेरा पहले से था, मैंने इसको डाल दिया है,
और आपको मीडियम पे तेज करके फिर मीडियम पे गैस कर देनी है। और देखिए इसमें ऐसे बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमारा आटा अच्छे से भी गूंद गया है और ये अच्छे से जो है हो रही है। तो हम थोड़ी देर इसको इस ऐसे ही रखेंगे जब तक अच्छे से इसमें बबल्स नहीं आ जाएंगे। आई होप आप कुछ दिख पा रहा हो। ये देखिए अच्छे से बबल्स आ गए। अब हमें क्या करना है, गैस को थोड़ी सी तेज़ करेंगे, बस थोड़ी सी, और फिर हम तवा लेंगे और हमें इसको ऐसे इस पर सेकना है। तो ये हमारा तंदूर का काम करेगा। तो अच्छे से हमारी बनेगी तंदूरी रोटी। अब आपको ये भी टेंशन ख़त्म, आप आराम से आपको घर में बनाइए और पनीर के साथ, जिसके साथ भी, चिकन के साथ, जिससे जिसके साथ भी आप सर्व करना चाहती हैं आप उसके साथ सर्व कर सकती हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे उससे आ रही है। ये देखिए, देखा आपने, आप चाहें तो आप आटे से भी बना सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मैदे से बनाया है, आप सब कुछ यही डालिए और आप जो है आटे से भी बना सकती हैं। तो ये इस तरह से, ये देखिए अच्छे से सिक गई है। ये देखिए, और ये देखिए पीछे से कलर देखिए खाली आप। ये देखिए ये हमारी बन गई। अब मैं इसी तरह से सारी खमीरी रोटी बना लूंगी। तो ये देखिए बन के हो गई है तैयार तंदूरी रोटी। देखिए कितनी प्यारी, अच्छे से, और इसका कलर देखिए पीछे से भी, देखा कितनी प्यारी बन गई है। अब कुछ नामुमकिन नहीं, आप हर चीज़ घर में बना सकते हैं। तो अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।